अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग कंप्रिंस कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रोजन पराठा पेटीज। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पराठा पेटीज बनाने के लिए हमको चाहिए, ये है मेरे पास 200 ग्राम चिकन टिक्का बोटी। चिकन टिक्का बोटी रोल की जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस वक्त थोड़ी सी जो चिकन बच गई थी उसको मैंने इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। 1/4 कप रेड कैप्सिकम, 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम और 1/4 कप स्प्रिंग अनियन, इनको मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून हॉट सॉस डाल के 1 टेबलस्पून ऑयल में स्टर फ्राई कर लिया था। 1 कप मोजरेला चीज और ये है मेरे पास स्टोर बॉट फ्रोजन पराठे। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले एक बाउल के अंदर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। चिकन, इसके बाद जाएंगे ये सारी वेजिटेबल्स, मोज़रेला चीज, अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये है मेरे पास स्टोर बॉट फ्रोजन पराठे, इसमें से मैं एक अलग करूंगी। अब आप लोग ये देखिए, ये मैंने लिया है एक फ्रोजन पराठा, इसको मैं इस तरह से कट करूंगी सेंटर में से, ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इन दोनों साइड्स को लाके इस तरह से मैं जोड़ दूंगी और यहां से इसको हल्के से प्रेस करके यहां से इसको इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करके सील कर दूंगी। ये बन गई इसकी पॉकेट। अब इस पॉकेट के अंदर मैं भरूंगी ये चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर। ज्यादा नहीं इसमें भरिएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके। ये हो गया, अब ये ऊपर से इस तरह से इसको सील कर दूंगी, ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, अगर सील करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हल्का सा इधर पानी भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से कर लिया और इस कांटे से इस तरह से दबा दबा के ये देखिए ऐसे। एक और आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से करके यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा के सील कर देंगे, ये इस तरह से करके। और अब इसकी हम करेंगे फिलिंग, यहाँ से इसमें डाल थोड़ी सा चिकन का मिक्सचर डाल दिया इस तरह से करके, ये देखिए क्या हो गया। अब इसको इस तरह से करके सील कर दिया, ये देखें इस तरह से करके। ठीक है, और कांटे से इसको इस तरह से प्रेस कर दिया दोनों तरफ से, ये देखें इस तरह से करके। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रोजन पराठा पेटीज रेडी हो गई है। इस स्टेज पे हम इनको डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरे पास स्प्रिंग रोल की शीट्स। अब जो ये मेरे पास मिक्सचर बाकी बचा था ये मैं भर दूंगी स्प्रिंग रोल की शीट्स में। जी व्यूअर्स, अब आप लोग देख सकते हैं ये मैं लूंगी एक स्प्रिंग रोल की शीट। सबसे पहले मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी हल्का हल्का सा पानी इस तरह से करके। अब इसके सेंटर में मैं रखूंगी ये चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर इस तरह से करके। ठीक है,
हमने रख दिया। अब इसको मैं यहाँ से करूँगी टर्न ऐसे, यहाँ पर भी लगा दूंगी हल्का सा पानी इस तरह से करके, उसको यहाँ से टर्न किया हल्का सा दबाया, यहाँ से टर्न किया हल्का सा दबाया, और इसको इस तरह से रोल करके ये देखिए ये बन गया। दोबारा से आप लोगों को करके दिखाती हूँ। एक रोल की शीट लेके उसके पहले चारों तरफ लगा देंगे पानी, सेंटर में चिकन का मिक्सचर, इस तरह से करके फिर यहाँ से उठाएंगे इसको, इस तरह से यहाँ पे लेकर आएंगे, हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, इसको यहाँ से टर्न करेंगे, इसको यहाँ से टर्न करेंगे, और ये इस तरह से करके ये देखें। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं पराठा पेटीज भी रेडी हो गई हैं, रोल भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं फ्रोजन पराठा पेटीज और रोल रेडी है, और उसके साथ ही ये मैंने इनको फ्राई भी कर लिया था, रोल और फ्रोजन पराठा पेटीज। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।